खबर चंपावत से है, जहां धौन बस दुर्घटना में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रतिबंध के बावजूद लंबी बसें यानी बड़े वाहन पहुंच रहे हैं रीठा साहिब। आपको बता दें, रविवार देर रात 10 बजे रीठा साहिब गुरुद्वारे से दर्शन करने के बाद पंजाब को लौट रहे सिख श्रद्धालुओं के 60 सीटर बस अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई और खाई की ओर लटक गई। खाई 500 मीटर गहरी है। अगर बस खाई में गिर जाती तो एक भीषण हादसा हो सकता था और कई श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। तो भी इस दुर्घटना में 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 7 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बाकी लोगों का चंपावत में इलाज चल रहा है। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि बस खाई में गिरने से कितनी बाल बाल बची है और नीचे कितनी गहरी खाई है। इस बस दुर्घटना में चंपावत पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा 60 सीटर बड़ी बसों को रीठा साहिब जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। इसके बावजूद 6 थानों और चेकपोस्ट को पार करके लंबी बसें और बड़ी बसें धड़ल्ले से रीठा साहिब पहुंच रही हैं, जो कि सिख तीर्थयात्रियों की जान के साथ एक खिलवाड़ है, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर करता है। लोहाघाट से रीठा साहिब तक सिर्फ 32 सीटर बसों को ही चलाने की अनुमति परिवहन विभाग के द्वारा दी गई है। इस मामले में चंपावत के SP देवेंद्र पिंचा ने सफाई देते हुए कहा कि पहाड़ों में लंबी बसों को रीठा साहिब जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है और गुरुद्वारों में इसकी सूचना भी दे दी गई है। बावजूद इसके लंबी और बड़ी बसें रीठा साहिब पहुँच रही हैं, जिन पर अब कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। SP चंपावत ने कहा कि ककराली गेट टनकपुर में पिकेट तैनात कर दी गई है। SP ने आगे कहा, बस दुर्घटना बस के ब्रेक फेल होने से हुई है और सोमवार को 2 लंबी बसों को वापस भी भेजा गया है। अगर पुलिस ने कड़ाई से अपने बनाए नियमों का पालन किया होता तो ये बस दुर्घटना नहीं होती। साथ ही साथ अगर ये बस खाई में गिर जाती तो और लोगों की जाने जा सकती थी और उसकी जिम्मेदारी किसकी होती, इसका जवाब चंपावत पुलिस और प्रशासन को देना काफ़ी भारी पड़ जाता। कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन को अपने बनाए नियमों का पालन कड़ाई से करवाना होगा, ताकि आगे से ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। गौरतलब है कि बस में 61 यात्री सवार थे और रीठा साहिब गुरुद्वारा के दर्शनों को दूर दूर क्षेत्रों से हजारों सिख तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। इन लोगों ने कहा कि भगवान के चमत्कार ने ही सिख श्रद्धालुओं को बस को खाई में जाने से रोका, अन्यथा आज नज़ारा कुछ और ही होता। उधर धौन क्षेत्र के ग्रामीणों ने रेस्क्यू अभियान में अपना सराहनीय योगदान दिया, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए नियमों का अब कड़ाई से पालन करवाने की बात कही है। बीच बीच में हम लोग लगातार चेकिंग करते रहते हैं। इवन गुरुद्वारों को भी हमने बता रखा था कि बड़ी बसों को ना आने दिया जाए, और इवन जो रीठा साहब गुरुद्वारा नानक मत्ता दोनों जगह हमने बोर्ड और होर्डिंग वगैरह भी लगा रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ बसें आ जा रहे हैं। तो फिलहाल इसको ध्यान में रखते हुए हमने ककराली गेट में फिर से पिकेट लगा दिया है, जो कि जो बसें आ रही हैं उनको, जो बड़ी बसें जो मानक के अनुरूप नहीं है, उनको रोक के उनको वापस किया जा रहा है। आज ही 2 बसों को वापस किया गया है। देखिए, ये जो बस है, जो पंजाब से श्रद्धालु आए हुए थे, जो कि नानक मत्ता से होते हुए फिलहाल ये रीठा साहब गुरुद्वारा के लिए गए थे और वहाँ से दर्शन को अपना जब वापस लौट रहे थे, धौन के पास में इनकी बस पलट गई थी। जो ड्राइवर से प्राइमरी हम लोग पूछताछ की, उसने बताया कि बस का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से वो पलट गई थी। ये एक अच्छी बात रही कि वहाँ पर लोकल जो ग्रामीण, उन्होंने तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस की टीम भी वहाँ मौके पहुंची और ग्रामीणों ने मिलकर जो घायल थे उनको तुरंत निकाला और हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दिया। कुल मिला के 25 व्यक्ति उसमें घायल थे, जिसमें 7 जो गंभीर थे उनको तत्काल हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया, बाकी सबका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी स्थिति ठीक है। UP News 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।